नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब हो जाए तैयार, क्योंकि आने वाले 3 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में जो बड़ी घटना होने वाली है, जानकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, अब हम आप सभी को बता दें कि समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है, परंतु अगर आप यश में संभालेंगे तो आपका जीवन सोने पर सुहागा वाला हो जाएगा। जी हां दोस्तों, ये समय जो ग्रहों की स्थिति है आपके लिए काफी अनुकूल है, परंतु यश में राहुल जैसे कुछ लोग आपके जीवन काल में है जो आपको बिल्कुल ही खुश नहीं देखना चाहते हैं। यह लोग आपकी टांग खींचे कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, और इन लोगों से आपको कैसे संभालना है, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आप आने वाले 3 दिनों को बेहतर बना सके, इसके बारे में विस्तार से हम आपको हर एक जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो दोस्तों, आने वाले 3 दिनों का समय आपके लिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली समय शब्द होगा। करोड़ का लाभ ये समय में आपको मिलने वाली है। ये समय आपको सबसे बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको इतनी गहरी जानकारी दी है, इतनी विशेष जानकारी दी है जैसी आपको जीवन में कभी प्राप्त नहीं हुई होगी। हमने बहुत गहरी शोध और अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनका क्या समाधान हो सकता है और कौन है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपके जीवन की हर एक समस्या के लिए जिम्मेदार है। जी हां दोस्तों, तो आपको अपने जीवन को सुखमय और हर एक समस्या से मुक्त बनाने के लिए इस वीडियो को देखना बेहद अनिवार्य है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और हर एक जानकारी को गहराई से समझने का प्रयास करें। जी हां दोस्तों, हम जानते हैं कि आप काफी लंबे समय से काफी दुखी हैं, कई तरह की परेशानियों ने आपको घेर रखा है, आप बहुत परेशान हैं, बार बार एक के बाद एक परेशानियां आपको भेजती रहती हैं, आप मेहनत बहुत करते हैं, अपनी समस्याओं से जूझने का प्रयास भी बहुत करते हैं, आपके अंदर हिम्मत और साहस की कोई कमी नहीं है, फिर भी आप अपनी समस्याओं से छूट नहीं पा रहे हैं, पीछा छोड़ा नहीं पा रहे हैं। दोस्तों जानते हैं, इन सब समस्याओं के लिए ना तो आपका भाग्य खराब है और ना ही आप जिम्मेदार हैं। इन सब समस्याओं के लिए जिम्मेदार तो कोई और ही है, और यह गुप्त रहस्य हम आपको आगे पता नहीं चाह रही हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप मन से भी बड़े ही सच्चे और बड़े ही अच्छे इंसान हैं, आप जानबूझकर किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपके कर्मों से किसी न किसी को चोट अवश्य पहुंच जाती है। आप भले ही किसी के लिए अच्छा करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन आपके प्रयास दूसरी दिशा में चले जाते हैं और लोग आपसे परेशान हो जाते हैं और आपका सारा किया कराया खराब हो जाता है, या यूं कहें कि निष्फल हो जाता है। आपकी मेहनत का कोई परिणाम तो प्राप्त होता नहीं है, उल्टा आपको बुराइयां और मिलने लगती हैं, जिससे भी आप दुखी रहते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आपके पीछे पड़ा है, आपके जीवन में दुख और परेशानियों का अंत ही नहीं हो रहा है। आप लंबे समय से परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, हम आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आप अपनी हर समस्या से मुक्त हो जाएंगे, इस बात का वादा करते हैं हम आपसे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन सब परेशानियों के कारणों के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि मां भद्रकाली के सच्चे भक्त पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें, माता आपका ख्याल रखेंगे, आपके जीवन से हर एक कष्ट को दूर कर देंगे। जी हां दोस्तों, आपको मां भद्रकाली में पूरी आस्था होनी ही चाहिए। मां तो मां होती है, बच्चों के कष्ट मां से देखे नहीं जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको बता दें कि आपकी कुंडली में 21 से ग्रह हैं, जो यदि आपके लिए नीच के रहेंगे या कमजोर अवस्था में रहेंगे तो आपको हमेशा पीला पहुंचाते रहेंगे, बल्कि इसके विपरीत यदि यह दुख रहे शक्तिशाली हो जाते हैं, आपके पक्ष में हो जाते हैं, तो आपके जीवन को खुशहाल ही से भर देंगे, आपके जीवन में राजयोग प्रवेश कर जाएगा। जी हां दोस्तों, ये 2 ग्रह कौन से हैं और इन्हीं ग्रहों की स्थिति के बारे में आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके जीवन में यह ग्रह नीच के हैं या उच्च के हैं? यदि नीच के हैं तो आपका स्टोर से हमेशा पीड़ित रहेंगे। हम एक किस करके हर एक बात को विस्तार से बताएंगे,
कि कौन से ग्रह से क्या कष्ट मिलेंगे और उस ग्रह का तोड़ क्या है, निवारण क्या है, उपाय क्या है। जी हां दोस्तों, तो वीडियो में बनी रही है हमारे साथ, हम आपको सारी जानकारी विस्तार से बताने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके पास मुख्य तौर पर दो तरह की समस्याएं हैं। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या आपकी आर्थिक समस्या है। आपकी आमदनी या तो है ही नहीं, और यदि हैप्पी तो इतनी कम है कि आपके खर्चों के लिए पूरी नहीं पड़ती है, जिससे आप मानसिक तौर पर हमेशा परेशान रहते हैं, उन जनों से भरी रहती हैं अपने खर्चे पूरे कर ना कर पाने की वजह से, बड़ी समस्याओं से घिरे रहते हैं। इधर आपको कर्जी ने भी परेशान कर रखा है। जी हां दोस्तों, दोनों समस्याएं एक जैसी ही हैं, चाहे वह कर्जे की समस्या हो या आमदनी कम होने की समस्या को दूसरी समस्या। आपके जीवन में यह है कि लोग आपको हमेशा गलत ही समझते हैं। जी हां दोस्तों, आप चाहे उनके लिए कितना ही अच्छा करने का प्रयास करें, चाहे उनके लिए तन मन धन से हाजिर हो जाए, तब भी लोग आपके काम में खोट निकाल ही देते हैं और अंत में आपको बुरा ही हासिल होती है। या यूं कह सकते हैं कि आप रिश्ते नातों के मामले में बड़े ही दुर्भाग्यशाली इंसान हैं। जी हां दोस्तों, आप लोगों के साथ हर रिश्ता बड़ी ही ईमानदारी के साथ निभाना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका रिश्ता खराब हो जाता है, आपका दिल टूट जाता है। चाहे रिश्ता कोई भी हो, चाहे वह आपके घर परिवार में, यहां तक कि आपके जीवन साथी के साथ या प्रेमी के साथ रिश्ता हो, हर एक रिश्ते में समस्या यही है कि कमी आपकी तरफ से कोई भी नहीं होती, फिर भी परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की बन जाती हैं कि आपकी ही कमी साबित हो जाती है और फिर आपको ही दोष लग जाते हैं, जबकि आप दिल से बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि सामने वाले इंसान को किसी भी प्रकार की पीड़ा को। तो मूल रूप से आपके पास दो तरीके की समस्याएं ही हैं। पहली समस्या धन की समस्या है और दूसरी समस्या है रिश्ते नातों की समस्या। दोनों ही समस्या है किन ग्रहों से जुड़ी हुई है और किन ग्रहों के बीच होने से इन समस्याओं से इंसान घिरा रहता है, यह सब जानकारी हम आपको आगे देने जा रहे हैं। वीडियो में बनी रही है, जानकारी भी खास है और आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हां दोस्तों, तो वीडियो को अब ध्यान से सुनिए। अब वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सा ग्रह है जो आपके काम धंधे में रुकावट खड़ी कर देता है, आपकी नौकरी भी ठीक से नहीं चलने देता है, आप कितनी ही मेहनत करें लेकिन आपको अपने घर में पैसा लाने नहीं देता है, और यदि पैसा आ भी जाता है तो वह किसी न किसी रास्ते से बाहर चला जाता है, आप धनवीन हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, उस ग्रह का नाम है बुध ग्रह। जी हां दोस्तों, एक ऐसा ग्रह है जो आपकी आमदनी के लिए जिम्मेदार होता है। जी हां दोस्तों, वैसे तो धन की देवी लक्ष्मी होती हैं और धन के रक्षक या राजा कहे कबीर को माना जाता है, लेकिन धन आपके पास आएगा किस मार्ग से, यह भी तो आपके लिए जानना आवश्यक है। धन तो किसी न किसी व्यापार के माध्यम से ही आपके पास आएगा, या नौकरी या फिर किसी और प्रकार के निवेश आदि से ही आपके पास धन आएगा। तो यदि इसका ग्रह कमजोर है या व्यापार बिजनेस का ग्रह कमजोर है, तो फिर धन आपके पास आना भी चाहेगा तो आ नहीं पाएगा। जी हां दोस्तों, तो धन की पूजा करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, चाहे आपको वीर की पूजा करें चाहे माता लक्ष्मी की पूजा करें, आपको इसका कोई भी लाभ प्राप्त हो नहीं पाएगा। जी हां दोस्तों, और यह बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे, यह बात बहुत गहरी खोज और रिसर्च के बाद हमने पता लगाई है। आप खुद ही समझ ले कि यदि आपके घर में पानी कोई देने को तैयार हो जाए लेकिन पानी घर में लाने के लिए आपके पास पाइपलाइन ही नहीं है, तो आप उस पानी को लाएंगे कैसे, समझने वाली बात है। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि धन को अपने घर में लाने का माध्यम से कोई व्यापार नौकरी, यह कोई रोजगार होगा, और रोजगार का ग्रह बुध होता है, तो आपकी जीवन में बुध निश्चित तौर पर कमजोर है, नीच का है, जो आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं का मुख्य कारण है। जी हां दोस्तों, आपके पास धन की कोई कमी नहीं है लेकिन आप अपने घर मिला नहीं पा रहे हैं, आपके प्रयासों में भी कोई कमी नहीं है, आप पर ही मेहनती और पर ही तू दूर दृष्टि रखने वाले इंसान हैं। जी हां दोस्तों, आप अपने जीवन में बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं, उन्हें हासिल करने के लिए बहुत मेहनत भी करते हैं, आप कभी कभी तो ऐसे कार्य कर जाते हैं जो लोगों की बौद्धिक क्षमता के बाहर है, लोग अचंभे में पड़ जाते हैं, फिर भी आप निर्धन के निर्धन ही रह जाते हैं,
छोटे छोटे लोग, कम बुद्धि वाले लोग आपके सामने देखते देखते आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें देखकर आपको ऐसा लगता है कि आप में क्या कमी है, आपके अंदर है कौन सा ऐसा देश है कि इस जैसे मूर्ख इंसान आगे निकल रहे हैं और आप जैसा बुद्धिमान मेहनती इंसान पीछे खड़ा है। लेकिन अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमने आपको बता दिया कि व्यापार और आमदनी का बुध को माना गया है, तो यदि आप खुद को प्रसन्न करने का उपाय कर लें, वह तो मजबूत कर ले, तो आपकी आमदनी के स्रोत हो खुल जाएंगे। फिर हमें लक्ष्मी आपके घर में लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। छोटा सा भी काम शुरू करेंगे तो आपको तमाम तरीके की उसमें से लाभ प्राप्त होने लगेंगे और आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। यह हमारा वादा है आपसे। तो आगे वीडियो में हम बात करेंगे कि खुद को मजबूत कैसे किया जाए। अब आप समझ चुके होंगे कि आप धनवीर क्यों हैं, आपके पास धन की समस्या हमेशा बनी क्यों रहती है, आप हमेशा कर्जे में क्यों बने रहते हैं, क्यों आप अपनी इन समस्याओं से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पा रहे, जबकि आप माता लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, सारे पूजा पाठ अब बड़े विधि विधान के साथ करते हैं, तब भी आप सुखी नहीं हैं, आप परेशान हैं। दोस्तों, आपको इसका राज आज पता चल गया है। अब हम बात करते हैं कि दूसरा कौन सा ग्रह है जिसने आपको बर्बाद कर रखा है। जी हां दोस्तों, और उस ग्रह का नाम है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के बारे में बात करते हैं कि यह कैसे आपको बर्बाद करके बैठा है। जी हां दोस्तों, मंगल ग्रह है वह हमारी बौद्धिक क्षमता पर प्रभाव डालता है, हमारे रिश्ते नातों पर प्रभाव डालता है। जी हां दोस्तों, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी आपके प्रयास रंग नहीं लाते हैं, जिससे आपके मन में उत्पन्न होने लगती है, क्रोध धीरे धीरे जमा होने लगता है। और जाहिर सी बात है कि आप क्रोध को जब ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो निकलने के लिए रास्ता धोने की और आपको जरूर करना ही पड़ेगा। एक दिन वह क्रोध ऐसी जगह होता है जहां नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके घर परिवार में, आपके रिश्ते नातों में, आपके प्रेमियों से आप एकदम से क्रोध कर दियाते हैं कि तुम फट पड़ते हैं, और उसी स्थिति में आपके प्रेमी जान आपसे दूर हो जाते हैं, आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप बौद्धिक तौर पर कमजोर हैं, लेकिन रिश्ते नातों को संभाल कर रखने के लिए जो ग्रह जिम्मेदार है वह मंगल है, और मंगल आपका कमजोर है। इसी वजह से आपकी रिश्ते नातों में बनती नहीं, आप किसी के साथ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि यदि किसी को 20 बार पैसे उधार दे दो और अगर आपने 21वीं बार उसे पैसे उधार देने से मना कर दिया तो जीवन भर की बुराई हो जाती है, और 20 बार जो आपने उधार दिया उसका भी करा कर आया मिट्टी में मिल जाता है। जी हां दोस्तों, तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो रहा है। आप किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए बड़ी जी जान से प्रयास करते हैं और बहुत ही मेहनत से आप उस रिश्ते को बनाकर चलते हैं, लेकिन एक दिन आपको क्रोध आ जाता है, ये आप चिढ़ जाते हैं और कुछ ऐसा कह देते हैं, ये कुछ ऐसा बर्ताव कर देते हैं जिससे आपकी जीवन भर का वह रिश्ता इस न किसी रूप में आपसे दूर हो जाता है। जी हां दोस्तों, मैं इसके लिए जिम्मेदार है मंगल। दोस्तों, मंगल के दुष्प्रभाव को आप इस तरह समझ सकते हैं कि यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल नीच का है, यानी मंगल दोष है, तो उस जातक की शादी तक नहीं हो पाती है, या फिर यदि उसकी शादी हो भी जाए तो उसे शादी का विवाह का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। मंगल दोष बहुत ही खतरनाक होता है, ये किसी भी रिश्ते को स्थायी होने नहीं देता है। जी हां दोस्तों, तुम मंगल ग्रह को आप अपने पक्ष में कैसे करेंगे, इसके उपाय हम वीडियो में आगे आपको बताने जा रहे हैं, तो वीडियो में बनी रहे और सारी बातों को ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो दोस्तों, आपने अब तक यह जान लिया कि आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, उन समस्याओं के मुख्य कारक कौन हैं और किस वजह से आप अभी तक पीड़ित चल रहे हैं। तो अब एक एक करके बात करेंगे, किन दो ग्रहों को आप अपने पक्ष में कैसे कर सकते हैं, इन्हें उसका कैसे बना सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम आपको ऐसे शर्तियां उपाय बताएंगे जिन्हें जानने के बाद, कुछ समय तक करने के बाद धीरे धीरे आपके जीवन में परिस्थितियां बदलने लगेंगी और आपके जीवन में खुशहाली आने लगेगी। जी हां दोस्तों, हमारे जीवन में हम तमाम तरह के प्रयास करते हैं, अपने जीवन को सुंदर और सफल बनाने के लिए लगातार लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, लेकिन परिणाम सबको एक जैसी नहीं मिलते हैं। जी हां,
दोस्तों हैं। ऐसा इसलिए होता है कि सब कुछ ग्रहों की चाल पर निर्भर करता है। यदि हमारे ग्रह हमारे पक्ष में रहेंगे तो एक भिखारी भी राजा बन सकता है, और यदि ग्रह पक्ष में नहीं है, विपरीत हो गए या नींद के हो गए, तो एक राजा भी कब भिखारी बन जाएगा उसे पता तक नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, यह होती है ग्रहों की शक्ति। तो यदि आप ग्रहों की स्थिति को जानते हैं पर विश्वास रखते हैं, जो कि आपको रखना ही चाहिए, क्योंकि आप ग्रहों से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकते। हम पूजा पाठ भी करते हैं तो नवग्रह शांति और स्थापन अवश्य करते हैं कि हमारी पूजा पाठ भी सफल हो जाए। यदि हम नमक ग्रह का आवाहन नहीं करेंगे तो हमारी छोटी से छोटी पूजा पाठ भी सफल नहीं हो सकती है। या दोस्तों, तो याद रखें कि आप ग्रहों से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकते। आपके प्रयास ग्रहों से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते, उनसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकते। तो बेहतर यही होगा कि ग्रहों की चाल को समझते हुए उनके मुताबिक उपाय करते चले, उनके अनुसार उपाय करते चले और जीवन में धीरे धीरे कामयाबी हासिल करते चले। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं। सबसे पहले बताएं ग्रह है यानी बुध के बारे में, तो खुद को हम मजबूत कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत खूब माल और व्यापार का रक्षक स्वामी ग्रह माना गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको समझना है कि पुत्र की चाल क्या होती है, बुध का स्वभाव कैसा होता है। तो बुध का स्वभाव बड़ा ही सौम्य और सरल होता है। बुध को प्रसन्न करने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बुध का प्रिय रंग हरा है और प्रिय धातु कौन सा है, तो आपको क्या करना है कि बुधवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर जाना है। जी हाँ दोस्तों, बुध का सीधा संपर्क भगवान गणेश जी है और बुध का दिन बुधवार ही होता है। तो आपको बुधवार के दिन अपने नजदीकी भगवान गणेश के मंदिर जाना है और वहां बांस की हरी घास जो होती है, जिसे धूप कहते हैं, उसके छोटे छोटे इगाई यरह गट्ठर बनाने हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखना, जिसमें कि 7 या इगाई यरह घास की पत्तियां तभी हूं, ऐसी आपको इगाई यरह गट्ठर बनाने हैं। जी हाँ दोस्तों, और भगवान गणेश को भोग चढ़ाना है, लड्डुओं का भोग चढ़ाएं और उसी के साथ भगवान गणेश के चरणों में इगायरह दूध की जो गट्ठर आपने बनाई है, अपनी मनोकामना बोलते हुए उन इगायरह कठनों को वहां चढ़ाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद पूरे सच्चे मन से भगवान गणेश को अपनी समस्याएं बताएं, मन ही मन बताएं। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम किसी दिव्य शक्ति के पास जाते हैं तो पूरे मन से और पूरे भाव के साथ जाना चाहिए। तो आप अपने सच्चे मन से अपनी हर एक समस्या भगवान गणेश को बताएं और उसके बाद आप घर वापस आ जाएं और हो सके तो हरे रंग की चीजें दान करने की कोशिश करें। जैसे हरा रुमाल किसी को दान कर दें या फिर गाय को हरी घास खिला दें, और शाम के समय कहां से की थाली में कुछ सीधा जाने की फांसी की थाली में गेहूं का आटा, चावल और दाल और साथ में थोड़ी पैसे यानी कि 10 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का पंडित जी के घर पहुंचा दें। इसी सीधा बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय को आपको इगायरह बुधवार करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही आप इस उपाय को करना शुरू करेंगे, धीरे 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 आपके व्यापार में तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने लगी, आपकी पदोन्नति के आसार बनने लगेंगे, आपके उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहने लगेंगे। वही कार्य जिसकी इज्जत नहीं होती थी, उसी कार्य को करने पर आपको सम्मान प्राप्त होने लगे, लोग आपके काम की अहमियत को समझने लगेंगे। चीजें वही रहेंगे लेकिन लोगों के नजरिए बदल नहीं लगेंगे, और यह प्रभाव होगा। बुध का दोष तो बड़ा ही चमत्कारी प्रभाव होता है। तो आपने उपाय अच्छी तरह से समझ लिया है। यदि नहीं समझ पाया है तो वीडियो को दोबारा देख लें और इस उपाय को अच्छी तरह से याद रखें। आपको केवल यही एक उपाय नहीं करना है, आपको अपने मंगल को भी मजबूत करना है। तो मंगल को मजबूत करने के लिए उपाय आपको बताते हैं। तो दोस्तों, मंगल का प्रतीक रंग लाल होता है। मंगल का दिन मंगलवार ही होता है और मंगल के देवता हनुमान जी को माना गया है। तो आपको मंगल को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही सरल उपाय करने हैं, यानी कि माथे पर लाल टीका लगाना है, जेब में लाल रुमाल रखना है, और मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाकर गुड़ और चने का प्रसाद हनुमान जी को अवश्य चढ़ाना है। और यही प्रक्रिया आपको कम से कम 11 मंगलवार तक तो रानी है। जी हां दोस्तों, लेकिन मंगल को प्रसन्न करने में आपको अपने स्वभाव में भी कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता रहेगी। जी हां दोस्तों, आपको जितना हो सके उतना क्रोध करने से बचना होगा।
जितना हो सके उतना क्रोध करने से बचना है, याद रखना है। दोस्तों, किसी महिला का भूले से भी अपमान नहीं कर देना है। किसी बुजुर्ग इंसान का है या फिर किसी सफाई कर्मचारी का गलती से भी अपमान नहीं कर देना है। मांस मदिरा का आपको सेवन नहीं करना है। हनुमान जी का आपको नित्य ध्यान करना है और मंगलवार के दिन आपको हो सके तो व्रत भी रहना है। यदि आप नहीं रह सकते हैं तो केवल हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा अर्चना अवश्य करें। इतना करने से आपका मंगल मजबूत हो जाएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके बिगड़े हुए रिश्ते भी सुधरने लगेंगे। जी हां दोस्तों, एक और बात आपको बताना चाहेंगे कि इस दौरान जब इगायरह मंगलवार और इगायरह बुधवार आप इन उपायों को कर रहे होंगे, उस समय आपको जब भी घर से बाहर निकले तो लौंग का एक जोड़ा अपनी जेब में रखकर अवश्य निकलना है। जी हां दोस्तों, तो इससे यह होगा कि हमारे जीवन में जो भी नकारात्मकता है, नेगेटिव एनर्जी है जिसने हमें घेर रखा है, लोग उस नेगेटिव एनर्जी को सोख लेती है। जी हां दोस्तों, जब आप घर से बाहर निकले तो लौंग का एक जोड़ा अपनी जेब में रखकर अवश्य निकले। इगायरह मंगलवार और इगायरह बुधवार तक जब तक पूर्ण ना हो जाए तब तक आपको लोग अपनी जेब में अवश्य रखनी है। बस आप इन उपायों को करते रहें और आप देखेंगे कि धीरे 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 आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आने लगेंगे। आपका काम धंधा व्यापार बहुत अच्छा चलने लगेगा, रिश्ते नाते आपके सुंदर और प्रिया होते चले जाएंगे और धीरे धीरे आपका जीवन बड़ा ही खूबसूरत हो जाएगा। दोस्तों याद रखें कि यह जीवन हमें तड़पने के लिए, ईरान सहने के लिए नहीं मिला है। भगवान ने हमें कई सुविधाएं दी हैं, सुंदर शरीर दिया है, घर समाज परिवार दिया है और कई तरह के योग और सहयोग दिए हैं, लेकिन हम इन सब का महत्व नहीं जानते हैं, इसीलिए हम जाने अनजाने कुछ गलतियां करते रहते हैं। बाद में इनकी सजाएं जब हमें प्राप्त होती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे जीवन नर्क बन चुका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों यदि आप सारे योग और सहयोग को अच्छी तरह से समझते चलेंगे तो आपका जीवन बड़ा ही सुंदर और मधुर हो जाएगा और ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों अमीर है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये जानकारी आपको पसंद आई है तो कमेंट में धन्यवाद गुरुजी अवश्य लिखना। और दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि ऐसी जानकारियां लाने के लिए बहुत ही अच्छा अंतिम करनी पड़ती है। बहुत ही मेहनत करने के बाद इतनी महत्वपूर्ण वीडियो हम आपसे पी के सामने लाते हैं और इसके बदले में हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यही हमारा आप सभी से निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है। तो अगर वीडियो को अंत तक देखें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जय मां भद्रकाली पूरे भक्ति भाव के साथ लिखना बिल्कुल भी ना भूलना। दोस्तों याद रखें, जिसके साथ हो माता भद्रकाली उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।